ताकि कहा कि मुझे जरूरत है लेने की या नहीं, है ना। ये टू पीस है, इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है और इसके साथ पैचेस बड़े प्यारे हैं कि ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है नीचे तक है ये फूल इधर तक, और ये चेक करें और बहुत हसीन है। इसके नीचे लेस भी लगी हुई है स्किन से कलर की, शुक्र। ये वाला कुर्ता बड़ा उनका फेमस हुआ था और अभी तक मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये इसके पोंचे पे लगेगा और ये आपके ऊपर है, पोंचे पे लगाए, बाजुओं पे डबल लेसेस भी लेके आई हूँ मैंने, बहुत खूबसूरत इसको सोचा है बनवाने का। ये चेक करें दुपट्टा, अच्छा खासा बड़ा है ना। ये है जी जो प्रिंट है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए कितना प्यारा प्रिंट है, फ्लोरल सा। मुझे इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है और इसको मैं ईद के दिनों में से किसी दिन पहनूंगी। और दुपट्टा हमारा हो गया इस कलर का ब्राइट, और इसके ऊपर जो डिज़ाइन। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आज जो आपकी बहन है ना अर्जुन, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी समर कलेक्शन, जो जो मैंने शॉपिंग किया है ना। वैसे तो मैं इकट्ठी नहीं करती, लेकिन ये जितनी भी शॉपिंग है ना ये मैंने सारी एक दिन में नहीं की हुई, और इसमें से कुछ हैं जो मैंने पिछले साल लिए थे और मुझे वो भूल गए हुए थे। और आज करनी कुछ ऐसी हुई है कि मैंने ईद के लिए ड्रेस ढूँढ रही थी और मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा अभी तक। सो मैंने सोचा कि ज़रा अपना तिजोरी खोलते हैं और उसमें से देखते हैं कि कौन कौन से कपड़े पड़े हैं। तो जब मैंने खोले तो काफ़ी ज़्यादा थे। अब आप खुद बताइएगा कि मुझे ज़रूरत है लेने की या नहीं। दोस्तों आप बताइए कि खजाने में से हमें क्या क्या मिलना चाहिए। और ये अच्छा, ये सिर्फ मेरी अकेली का नहीं है, ये इन लोगों के भी बड़े बड़े खजाने, अभी मैंने सबके खुलवाए हैं कि दिखाओ हाँ किसके पास कितने हैं। सो कम पड़े ना तो हिफ्जा ने, हाँ फिर मैंने सबके उठाए गए, वरना अम्मी ने मुझे कभी भी नहीं एक और नहीं लेने देना था। तो जो ईद का मैं अभी अलग से सोच रही थी वो अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है, कि अभी जब मुझे बहुत ज़्यादा कोई पसंद आए ना तब लेना है, फजूल में नहीं लेना है क्योंकि आई है लॉट। सो मेरा दिल करता है शुरू करने से पहले जो है ना हम स्टार्ट करते हैं इस वाले सूट से। और मैं सच बताऊँ ना तो इनमें से जितने हैं ना ज़्यादातर मेरे गिफ्ट हैं। सो मैंने सोचा कि इनके अंदर से भी ना इस बार कुछ सिलवा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा सबसे पहला तो ये है, ज़रा क्लोज अप करके दिखाएँ पिक्चर चेक कराएँ। ये टू पीस आई थिंक है ना, ये टू पीस है, इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है और इसके साथ पैचेस बड़े प्यारे हैं। तो अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, और खैर बड़ा इसका फ्रेश प्रिंट है। Let me show you. दोस्तों इस तरह का एक मेरा भी था पर मेरी चॉइस हिफ्जा ने देने से पहले खुद ही पसंद कर दिया था। ये देखा, हमेशा ये पहले मार लेती है लेकिन एक आध बार मैंने मारा भी। ठीक है तो मे बी मैं ना इसको शायद आगे पीछे लगवा लूँ, कोई पता नहीं है। और बाजू पे भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे लगा और पीछे ना लगा वो खाली लगता है, देखते हैं फिर उसका क्या करेंगे। सो ये है जी दुपट्टा, और दुपट्टा काफ़ी ज़बरदस्त है और इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं ना दुपट्टों के ऊपर ये जो मुचड़े हुए आपको नज़र आएंगे, ये दो दिन से ना मेरे कमरे में पड़े और बच्चों ने इनके साथ खेल खेल के दुकानें बनाई हुई थी, मेरे कपड़ों का ये हाल हुआ। मैंने सोचा इसकी जल्दी से वीडियो बना लूँ इससे पहले कि ये वो जुड़े हैं जो मैंने घर पहनने के लिए लिए हैं और बहुत ही हसीन हैं और बहुत रीज़नेबल भी हैं। अब अलग अलग मुझे कीमतें बिल्कुल भी नहीं याद। सो एक ये है, ये सिला सिलाया अच्छा मिल गया था। सो ये चेक करें आप कैसा, इसकी ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है नीचे तक है ये फूल इधर तक, और ये चेक करें कैसा लग रहा है ना, नाइस। अच्छा और उसके साथ दुपट्टा जो है वो है ये, अच्छा हासिल है लॉन का नहीं है ये रेशमी दुपट्टा, ये दुपट्टा है जी, अच्छा हासा लंबा दुपट्टा है। और साथ साथ मैं जल्दी जल्दी दिखाऊं इससे पहले कि हमारे बच्चे जाग जाएं, और जामी के ऊपर भी ये बना हुआ है, देखिए इनकी हालत क्या हो गई है। खैर जो, और ये है जी हमारा जामी, इसको थोड़ा सा तंग करवाना पड़ेगा, खुला है काफ़ी। सो एक ये जोड़ा हो गया है, ये अब सिलवाना नहीं पड़ेगा, ये बड़ा सुकून है। उसके बाद एक ये भी दिखाती हूँ, ये भी स्ट्रेच्ड है। सो ये देखें मरून, मैंने सोचा ज़रा ब्राइट ब्राइट कलर भी लेने ताकि वीडियोस में अच्छे लगते हैं। सो अच्छा एक मेरे सब्सक्राइबर हमेशा पता है कमेंट में वो लिखते हैं आई लाइक योर ड्रेस कलेक्शन, हमें हमेशा से मैं उनको इकट्ठी दिखा देती हूँ। सो एक ये हो गया और एक ये वाला है, इसका कलर बहुत ब्राइट नजर है। अभी चेक करें ज़रा कितना खूबसूरत है, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी दिखाओ जरा गले पे, कितना प्यारा लग रहा है। ये सही जो फ्रेश रेड है ना वो है। सो ये लॉन्ग मीज अभी
आगे लॉन्ग शर्ट है और बहुत हसीन है। इसके नीचे लेस भी लगी हुई है स्किन से कलर की, शुक्र है कोई और रंग नहीं लगे से। और इसके बाद ये, और क्योंकि हमारी अफ्तारी में टाइम थोड़ा रह गया और टाइम मैनेज नहीं हो रहा था आज, और मौसम भी कुछ ऐसा है। हाँ, और ऊपर इसलिए हम आ गए क्योंकि इधर ना ज़रा रोशनी बेहतर होती है। और इसके साथ का ये दुपट्टा है कैसा अच्छा। तो इस सूट की जो है ना, मैं आपको ये वाला और जो मैंने इससे पहले आपको ग्रे वाला दिखाया ना, अभी ये वाला, इन दोनों की ना प्राइस जो मुझे याद थी ना वो थी 2500 से 3000 में ये मिले थे, मतलब कि ये इतने में ही आए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग तीनों ने लिए थे तो फिर बिल्कुल याद नहीं है। सो ये हो गया। और ये खाली शर्ट है, ये भी एक गिफ्ट था, ये मेरे कैमरे मैन ने मुझे गिफ्ट किया था तो मेरी निकी परजाई ने। सो ये पिछले साल दिया था और अभी तक मैंने ये नहीं सिलवाया। और देख, और उस साथ में हमने जो और भी लिए थे ना उसके भी अभी बीच में पड़े हुए हैं, ये देख, ये हमने बाद पहले सिलवा लिए हुए हैं। सो ये भी पड़े हुए जो अच्छा, ये वाला, ये किसका था, ये लाइम लाइट। तो ये वाला कुर्ता बड़ा उनका फेमस हुआ था और अभी तक मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इसको मैं पिछले साल लिया था ना, क्या उससे पिछले साल लिया, हाँ। तो ये वाला कुर्ता था और इसको अभी सोच रही हूँ, अभी बता क्या काफ़ी है तो अभी भी मैं सोच रही हूँ कि अभी सिलवाऊँ या ना सिलवाऊँ। और इसके साथ ना मैं डार्क इसका जो पजामा है ना ग्रीन, वो यूज़ करूँगी। और ये तो प्लेन, उसके बाद आया जी बुनंजा सतरंगी। सो हाँ, और ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, ये उसने खुद पसंद करके लाया था, इतना मुझे क्यूट लगा। बताए शॉपिंग भी मेरे साथ ही गया हुआ था और एकदम से गायब हो गया और वहाँ से जाके उन्होंने ख़रीदे और फिर हमें घर आ गए, मुझे भी और छोटी भाभी को भी। इसके अंदर पैचेस भी हैं, वो भी दिखाती हूँ, पैचेस बहुत खूबसूरत हैं इसके ना, सूट को बनाते ही पैचेस हैं। सो ये है जी, ये थ्री पीस है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर के हालात वाकया था, जितना हसीन मौसम है इसलिए हम ऊपर आ गए, लेकिन मसला ये है कि वो कहते हैं ना फुहार, वो हो रही है साथ। सो इसका तो हालत ही को नहीं छोड़ी मेरे बच्चों ने। ये मेरा बेटा ना दुकानदारियाँ शुरू कर देता है बैठ के। सो पहले तो इसकी शर्ट दिखाती हूँ, ये भी उसी की तरह जिस तरह मैंने ग्रीन दिखाया ना कि प्लेन प्रिंट है पूरा एक जैसा पर्पल, ऐसे बॉर्डर बना हुआ है अच्छा। और उसके ऊपर पैचेस बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, ये जो है ना ये इसके पजामे के हैं, ये देखें, ये इसके पोंचे पे लगेगा और ये आपके ऊपर है, पोंचे पे लगाएं, बाजुओं पे डबल करें या जो मर्जी करें। और ये आप सेंटर में लगेगा। हाँ, और ये जो है ना, ये इसकी फोटो किधर गई है, हाँ ये इस फोटो पे तो एक लगा हुआ क्या, दो है, लेट मी सी, ये उन्होंने गले के नीचे लगाया हुआ ना एक, ये वाला, ये तो हो सकता है आप बाजुओं के साइड्स पे लगा दें इधर कंधों के पास, या हाँ, या तो बाजुओं के मतलब कंधों पे लगा सकते हैं या इधर ही दो कर सकते हैं आप। तो ये जब सिलवाना है तो उस दिन पता चलेगा। इस बार आपको गर्मियों में मेरे न्यू जोड़े नज़र आएंगे। सो ये हो गया दुपट्टा। मुझे ना पसंद लोन के दुपट्टे नहीं, मुझे शिफॉन के ही पसंद है ज़्यादातर, और मेरे पास बहुत ज़्यादा है। मैं कई बार जो ड्रेस होते हैं ना वो डिस्कार्ड भी कर दूँ, लेकिन दुपट्टे मेरे पास रहते हैं। सो ये है जी दुपट्टा हमारा, बहुत ही फ्लोई सा, ये देख कैसे उड़ रहा है, चेक कर। ये अच्छे दुपट्टे की निशानी होती है। अच्छा एक ये हो गया, जो आप दिखाने वाली हूँ ना, ये भी मेरा एक गिफ्ट है, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा जो शुरू से मेरे साथ है ना, ये मेरे बर्थडे गिफ्ट में आया था एक ये था, और सर्दियों में कभी था ना एक मोमेंट सिलवाया था। हाँ हाँ, और ये जो है ना, ये इस बार ईद पर मैं सोच रही हूँ बनाने का, और इसके लिए मैं लेसेस भी लेके आई हूँ, मैंने बहुत खूबसूरत इसको सोचा है बनवाने का। सो ये है जी मेरा, पहले मैं आपको फोटो दिखा लूँ, पीछे जूड़ा भी करेंगे इस पर जैसे इधर हुआ। नहीं, जूड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो इसके साथ दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, और इसका अब मैं आपको सूट भी दिखाती हूँ। अच्छा पहले तो दुपट्टा दिखा देते हैं, पहले यही पड़ा हुआ है, अब उठ गए, जोश जज्बा आ गया है, मौसम बहुत अच्छा है, ये धूप निकली होती ना फिर पता चलता। सो ये चेक करें दुपट्टा, अच्छा खासा बड़ा है ना। ये है जी जे डॉट का, ब्रांड कॉन्शियस हम लोग बिल्कुल भी नहीं है, बस जिधर से प्रिंट अच्छा लग गया ना डिज़ाइन वो ज़रूर लेना होता है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि हम ठेलों से ही लेते रहते हैं, पर ठेलों से भी ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा, प्रिंट अच्छा ना दुपट्टा है। और इसके ऊपर ना ये क्या इसको कहते हैं, ऑर्गेन्जा, ये ऑर्गेन्जा है लेकिन ये ठेका टाइप नहीं होता, कुछ उस तरह का डिज़ाइन है इसका। और ये है जी कमीज़ इसकी, मैं आपको पूरी खोल के दिखाती हूँ, अब हवा इतनी हो गई है, हवा ना हो ता मसला, जी ओ ता मसला। अच्छा जी ये है जी इसका गला,
ये बड़ा शाइनी नजदीक करके दिखाओ जरा, देखिए कितना प्यारा है। और ये आप सोच रहे होंगे इस पे मैंने लेसेस क्यों लिए हैं, क्योंकि इसका जो नीचे वाला बॉर्डर है ना ये बिल्कुल सिंपल है, प्लेन यहाँ तक, तो मैंने सोचा इधर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करें, क्योंकि दुपट्टा ऊपर लिया होता है तो गला तो इतना नज़र आना कोई नहीं है, तो नीचे से बॉर्डर नज़र आना था या स्लीव्स। सो अब मसला ये हुआ इसके स्लीव्स के लिए भी हम ले आए हैं, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी डिज़ाइन है, सो वो किसी और पे लगवा लेंगे बाद में, या उसको हो सकता है कि उसके डबल बॉर्डर कर देंगे, है ना। तो ये है जी इसके स्लीव्स, बहुत खूबसूरत और हसीन कलर है ये, और छोटी छोटी सी छट्टा बना हुआ है पट्टी। हाँ अच्छा, इसका ये ना मैं ये भी बताऊँ कि हम मैं पहले डरी हुई थी कि इसके ऊपर ग्लिटर है और ये उतर जाएगा, देखेंगे ना ऐसे ऐसे रगड़ ही ना तो ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सो हाँ बस ये है कि एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि इसको हाथ से धोना पड़ेगा, मशीन में इस तरह के सूट नहीं डाल सकते। मोस्ट फेवरेट जो था, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। तो ये मैंने ना जोड़ा मंगाया ऑनलाइन, और इंस्टाग्राम पे थी ना बाइक, तो मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया खुद से बहुत पार्टी बन के, और फिर मेरे साथ क्या हुआ कि ये बहुत खूबसूरत प्रिंट है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए कितना प्यारा प्रिंट है, फ्लोरल था, मुझे इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं, और ये कलर जो है ना ये ऑफ वाइट, और मुझे इतना ये कलर पसंद है ना, ये चेक करें इसका। हाँ तो ये मैंने मंगवाया, और मेरे साथ हुआ क्या, दुपट्टा तो ऑफ वाइट था बहुत प्यारा, जब मैंने निकाला मुझे बहुत खुशी हुई, और जब मैंने सूट निकाला वो था वाइट, प्योर वाइट, आप देखते ये ऑल ओवर है, जैसे वो स्कूल की नहीं होता। हाँ वो जैसे केटी के सूट होते हैं ना, वो उस तरह। सो मेरा टूटा है दिल बहुत ज़्यादा, प्रिंट अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे देख के बहुत खुशी हुई है। यस, मेरा एक सूट इधर उधर हो गया। अब ये है कि ये इकट्ठा तो नहीं मैं पहन सकती, क्योंकि दुपट्टा ऑफ वाइट है और सूट वाइट है। अब यह है कि इस सूट के साथ पिंक दुपट्टा ले लिया जाएगा, वो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसके साथ ही अब ये पूरा सूट थ्री पीस यूज़ नहीं हो सकता। तो इसका प्रिंट चेक करें कितना प्यारा लग रहा है, लेट मी मैं ज़रा खोल के दिखाती हूँ ऐसे। आप ये अपना इंस्टाग्राम पेज इसका बताना चाहेंगे जैसे आपने लिया? यार मुझे मेरे साथ पता क्या होता है, मैं ना सिर्फ पिक्चर्स देखती हूँ और उनको लाइक करती रहती हूँ, और मुझे पता को नहीं होता वो सही वाले हैं या बुरे वाले हैं। और मुझे ये मेरी परजाई जो है ना इसके जाने का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, ये ऑनलाइन ऑर्डर जो करना होना तो ये वाली करती है छोटी वाली। जाने पहले भी किया था, और मैंने किया था अपने भतीजे के लिए स्वेटर, छोटू सा स्वेटर था, इतना क्यूट था वो, और वो आया मेरे भाई के साइज़ का बड़ा, और हुडी स्वेटर नाम की तो चीज़ ही कोनी थी बीच में, इस तरह भी मेरे साथ हो चुका। सो मैं ना ऑनलाइन खुद ऑर्डर करने से बहुत डरती हूँ, मुझे वैसे ही उससे ना मेरा दिल ही उतर गया, मेरा यकीन ही उठ गया। तो ये तो आपने देखा है, ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया, इसको तो खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे बहुत पसंद है, और इसको मैं ईद के दिनों में से किसी दिन पहनूंगी, और भी जिसके ऊपर मैंने क्रिएटिविटी शो करनी है ना मैं वो दिखा। उसके बाद लास्ट आ जाता है वो है ये, आज दो इस बार दोस्तों मैं आपको अपनी सारी क्रिएटिविटी जो अंदर का डिज़ाइनर है ना वो इस सूट पर मार के दिखाऊँगी। तो ये जो मेरा सूट है ना ये मेरा ना बहुत ज़्यादा, और ये 2 साल पहले का है। हाँ ये 2 साल पहले का है, और अभी तक मैं बेचारे को सिलवा नहीं सकी, और इस बार मैंने मम्मी को कन्वेंस कर लिया है, वरना मेरी माँ ने किसी और को दे देना था। और ये मुझे पसंद है पता नहीं क्यों। अच्छा इसके अंदर जो फ्लावर्स है ना ब्लू कलर के, दुपट्टा हमारा हो गया इस कलर का ब्राइट, और इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग मैंने सोची है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आफ्टर सम डेज़। सो ये है जी इसके ऊपर, ये 2 पीस है ऑल ओवर ना, सो इसके ऊपर मैं जितनी भी लेसेस वगैरह, मतलब इसको आपको खास करके ना जैसे ईद के लिए आप बड़ा फैंसी सूट करके मैं आपको दिखाऊंगी। सो जस्ट कुछ दिन की बात है, मेरी जो टेलर है ना उनको मैंने थोड़ा सा समझाना है, सो उसके बाद मैं आपके साथ इसकी एक पूरी वीडियो शेयर करूँगी कि एक आम से सूट को खास कैसे बनाया जाए। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आज वीडियो ना हमने थोड़ी सी जल्दी में बनाई है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो सारे जागे और मेरी बड़ी भरजाई ना इस वक्त तक खिड़िचू होगी नहीं है। सो इसी के साथ हमें दी इजाज़त, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और ये ज़रूर बताना है कि इनमें से ना जितने भी आपने देखे इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा, मतलब आपका फेवरेट कौन सा है, और आप ईद पे कौन सा सिलवाते हैं। हाँ और आपको क्या लगता है कि मुझे इनमें से ईद पे कौन सा पहनना चाहिए, फर्स्ट डे और फिर सेकंड डे और फिर थर्ड डे कौन सा पहनना चाहिए। तो चलिए जनाब इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।